जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत भवानीपुर देशरी आए हैं हम, और यहाँ पर मुखिया प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, इनके द्वारा चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान को देख रहे हैं और हर एक प्रत्याशी से बात कर उनके मुद्दों उनके वादों को आप तक पहुँचा रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी कैलाश मंडल जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर ये अपने वोटरों से वोट मांगेंगे और क्या क्या ऐसा मुद्दा रहेगा जिनको लेकर ये जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सबसे पहले कैलाश जी, स्वागत है आपका सिल्क टीवी पर। हमारी यही सोच है कि जितना गरीबी है सबको हटाना है, और जितना युवा है मेरा बेरोजगार सबको रोजगार देंगे। देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आप पंचायत चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, आप जनसंपर्क अभियान भी कर रहे होंगे, और इस बात का ध्यान रखना है पूरे बातचीत के क्रम में आपको कि आप कैमरा देखकर बात करें, ताकि आप जो भी चीज़ संबोधित करें, जो भी चीज़ बताएं, तो देखने वाले आपके वोटर या हमारे दर्शकों को लगे कि आप उन तक ये पैगाम या उन तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं। क्या मुद्दा है, आपको क्या लगता है विकास कैसा रहा पिछले कार्यकाल में मुखिया के आपके पंचायत में, और आप अगर मुखिया बनते हैं, वोटर यदि आप पर यकीन करते हैं, तो शुद्ध पानी हुआ, सड़क नाला बिजली, किन मुद्दों पर किन विषयों पर आपका ज्यादा ध्यान रहेगा? सारे सड़क योजना जो है ये सब करेंगे, नला करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, जनता का सेवा के लिए हर चीज में हम समर्थ हैं, और यही मेरी सोच है, और करने की कृपा करें और वोट देने के लिए इसी पे हम खड़े हैं। ऑटो छाप आपका चुनाव चिन्ह है, 29 को मतदान होगा, 1 या 2 को रिजल्ट आ जाएगा, क्या लगता है आपको इस बार किधर हवा बह रही है, आपके साइड आपके वोटर हैं, रुझान है, या फिर चुनाव प्रचार में कहीं कोई कमी है, क्या लग रहा है आपको कि आपका कहां पर पोजीशन है? 1 नंबर पे मेरी पोजीशन है, वोट देने के लिए सारे जनता हमारे पीछे तैयार है। और क्या दिख रहा है आपको, आप यदि मुखिया बनते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे स्कूल हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों पर लोग ध्यान तो देते नहीं है, बात करते हैं, वादे करते हैं। हम सब चीज़ पे ध्यान देंगे, सारे चीज़ करेंगे, और जितना बच्चे हैं ये सब का स्कूल का भी व्यवस्था करेंगे, और जनता के पीछे हम लगे हुए रहेंगे, यही मेरा सोच है। अच्छा, आपके पंचायत में भवानीपुर देसरी में जो वोटिंग होता है, क्या लगता है आपको, जातीय समीकरण या सामुदायिक समीकरण पे वोट बढ़ता है, या फिर विकास को देखते हुए वोटिंग होगा? विकास के देखते हुए वोटिंग होना चाहिए, लेकिन जो है आदमी ये सब सोचता नहीं, पैसे के पीछे भाग जाता है जनता, पैसा कौड़ी ले दे के इधर उधर कर देता है वोट। सेवा करने का अगर मौका देता है जनता तो हमने भरपूर सेवा करेंगे जनता का, और सारी काम भी करेंगे। जनता पैसे को लेकर कहीं ना कहीं वोट का बंटवारा हो जाता है, पैसों को लेकर चुनाव लड़ा जाता है पंचायत चुनाव में, और ग्रामीण क्षेत्र में तो खास करके पैसे को लेकर ही चुनाव लड़ा जाता है। लोग सोचते हैं कि चुनाव के वक्त पैसे खर्च कर दिया जाएगा, वोटों को खरीद लिया जाएगा, पर सच्चाई यही है कि विकास को देखकर ऐसे जनप्रतिनिधि जो आपके समाज में कुछ काम करें, समाज में रहें, जनता के बीच रहें, ऐसे जनप्रतिनिधि को देखकर जनता को वोट करना चाहिए। आपके समाज में आपने बताया कि पैसे का खेल होता है राजनीति में, पंचायत चुनाव में, क्या लगता है जातीय समीकरण भी यहाँ काम करती है? नहीं, वो तो उतना नहीं है। अच्छा। सारे जातों ने हमको चाह रहा है वोट देने के लिए, तैयार है, लेकिन पैसा वाले सब जो है गड़बड़ा देता है वोट को। अरे कैलाश जी, क्या लगता है आपको कि अभी आपके पंचायत में पानी का या सड़क नाला इन सब चीज़ का सुविधा कैसा है? एकदम नहीं है, न पानी का सुविधा है, न रोड सही से है, सब जनता जो है रोड के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है, नाला के लिए परेशान है, महक रहा है पूरा, जिधर तिधर लेट्रिन बाथरूम कर देता है, वो सब का साधन सब चीज़ का ख़राब है। और वृद्धा पेंशन या फिर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके नाम पर हर पंचायत में लगभग देखने को मिला कि गरीबों को घर देने के नाम पे पैसा वसूली, लूट खसोट, ये सब आपके पंचायत में भी चल रहा है, इसका विरोध करते हैं आप? हाँ, पूरा कर रहा है, 30,000-40,000 पर जनता से लेता है प्रति घर पे, इंदिरा आवास जो पास करता है, हमने ये सब लेने का कोई क्षमता नहीं है, हम एकदम हाथ जोड़ के बोलते हैं फ्री फंड में सब का काम कर देंगे, कोई पैसा का काम नहीं है। नहीं, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप चुनाव लड़िएगा, आप इस बार चुनाव में खड़ा हुए हैं, वोट मांग रहे हैं, तो जनता के साइड से, जनता के समर्थन में आप कभी इस चीज़ का विरोध किए कि पैसा नहीं लेना चाहिए, वो गलत है, सरकार नहीं लेती है, सरकार मुफ्त में देती है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लूट घसोट करते हैं, इसका विरोध कभी अपने तरफ से आपने कभी किया? पैसा तो कागज़ पत्थर यही सब मना लगता है, और तो कहीं सरकारी पैसा नहीं लगता है, सारे काम आसान है,
लेकिन जनता जो है पैसा देता है और वो दलाल सब लेता है पैसा, तो उसका हम क्या करेंगे? हमको देगा पावर तभी हम कर सकते हैं कुछ। तो आपके कार्यकाल में क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मिटेगा, बिचौलिए दलालों की जो संख्या वो घटेगी और इन सभी चीज़ों पर आप नकेल कसेंगे? कसेंगे, पावर आएगा सब काम करेंगे। हम लगातार हर एक प्रत्याशी से बात कर रहे हैं, जो भी उनका चुनावी मुद्दा है, जिन बातों पर वो अपने स्थानीय लोगों से वोट मांग रहे हैं। भवानीपुर देसरी पंचायत हम आए थे और हमने बात किया यहाँ मुखिया के भावी प्रत्याशी कैलाश मंडल से। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार भी होता है, सड़क नाले, इन सभी चीज़ों की समस्याएँ लगातार बरकरार है। हम हर एक पंचायत में जाएंगे, हर एक ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, प्रत्याशियों का क्या मुद्दा है, किन बातों पर वो चुनाव में वोट मांगेंगे, अपने समर्थकों से क्या वादे करेंगे, इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। लगातार आप देखते रहिए सिल टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ सत्यम, जय हिंद।